प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां इंदौर, देवास, धार, ग्वालियर, भोपाल सहित 21 जिलों के खिलाड़ियों ने इस दो दिवसीय आयोजन में भाग लिया। एमेच्योर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंदौर पब्लिक स्कूल के मुख्य परिसर में हुए दो दिवसीय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जमकर किक लगाई और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आईपीएस के प्राचार्य सुधा पांडे, मध्य प्रदेश कराटे संघ के प्रेसिडेंट जयदेव शर्मा, परितोष शर्मा, आशुतोष दधिच एवं अचल चौधरी की मौजूदगी रही। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इंदौर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य सुधा पांडे ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सर, ये चैंपियनशिप मध्य प्रदेश स्टेट कराटे चैंपियनशिप है, जिसे एमेच्योर कराटे एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसे होस्ट किया है एमेच्योर कराटे एसोसिएशन इंदौर एवं इंदौर पब्लिक स्कूल ने। यह संपूर्ण चैंपियनशिप वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों के आधार पर करवाई जा रही है और इस दो दिन चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर, कैडेट, अंडर 21 और सीनियर चैंपियनशिप महिला पुरुष की, इसमें सारे इवेंट प्रदेश के लिए गए हैं, जिसमें करीब 21 जिलों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये चैंपियनशिप में जो हमारे ऑफिशल्स हैं वो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड ऑफिशियल्स हैं, जिनके जो मार्गदर्शन में ये चैंपियनशिप की जा रही है, इन्हीं के निर्णय यहाँ पे मान्य होंगे। कौन कौन से जिले से आए सर? भोपाल, इंदौर, कटनी, छिंदवाड़ा, सीधी, रीवा, काफ़ी सारे जिले हैं जो 21 जिले करीब हैं। जो खिलाड़ी यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे उनको किस तरह का मंच मिलेगा? सर, यहाँ से जाकर जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल होगा उसके लिए सिलेक्शन कराया जाएगा, जब भी वो अनाउंस होता है। इसमें जिन्होंने पार्ट लिया है वही उस सिलेक्शन में आ पाए। पहली बार हो रही है इस तरह की? पहले भी हो चुकी है सर। एमेच्योर कराटे एसोसिएशन मध्य प्रदेश की यह पहली चैंपियनशिप है जो आईपीएस स्कूल में कराई है। बाकी चैंपियनशिप तो खैर जैसे हर खेलों की होती है बहुत सारी हो रही होंगी, लेकिन कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त जो एमेच्योर कराटे एसोसिएशन है मध्य प्रदेश की, वो स्टेट या इंदौर पब्लिक स्कूल में पहली बार कराई जा रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, इंदौर पब्लिक स्कूल के सभी जो मैनेजमेंट है बहुत शानदार मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल से लेके और यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी तक है, मैं बिल्कुल नीचे से ऊपर तक की बात कर रहा हूँ, उन सभी का स्वभाव बिल्कुल पॉजिटिव है और कोऑपरेटिव है। आधी रात को भी अगर उनसे बोला जा रहा है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट देख रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा कहना नहीं है, ये यहाँ के खिलाड़ियों का कहना है जो इसमें आए हैं और कोचेज का, सर रात को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। सर, ऐसी चैंपियनशिप अधिकतर कई जगह होती रहती है, हाँ। सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्या कहना लाएं? सर, सरकार वाकई में बहुत सारी मतलब सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारा प्रयास करती भी है और किया भी है। जैसे मैं स्वयं मध्य प्रदेश का प्रथम विक्रम अवार्डी हूँ, मेरे से स्टार्ट हुआ था विक्रम अवार्ड और अभी रिसेंटली जो 2021 के अभी सरकार ने अवार्ड दिए हैं विश्वामित्र अवार्ड, तो रिसेंटली मुझे अभी दिया ही गया है ये सितंबर में। तो सरकार तो 2006 के बाद से कराटे पे पूरी तरह से फोकस हो गई थी। इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को आया था 2007 में राष्ट्रीय खेलों में, 33 जब राष्ट्रीय खेल हुए थे वहाँ पर स्वयं मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वहाँ पर सरकार ने, जहाँ एकेडमी भी नहीं थी वहाँ सरकार ने मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी खोला गया और उसमें कराटे का बहुत बड़ा योगदान था। टोटल 12 गोल्ड आए थे मध्य प्रदेश के सभी खेलों के मिला के, जिसमें 8 गोल्ड सिर्फ कराटे के थे। एक दिन में कितने मैच हो रहे हैं यहाँ पर अभी? एक दिन में सर मैच तो नहीं ऐसे काउंट कर सकता मैं आपको, लेकिन मैं इवेंट बता सकता हूँ। जैसे फर्स्ट डे जब हुआ था तो सबसे जो ज़्यादा रश होता है वो सब जूनियर कैटेगरी में होता है, छोटे बच्चों में, तो सब जूनियर कैटेगरी और सीनियर कैटेगरी में थोड़े से कम होते हैं। तो एक शेड्यूल बनाया जाता है जिससे हम व्यवस्थित तौर पर इवेंट ख़त्म कर सके समय के अनुसार। तो कल जो इवेंट हुए थे वो सब जूनियर और प्लस 18 इवेंट थे सारे। आज जो लिए गए हैं वो कैडेट
और जूनियर, जो कि कैडेट का मतलब होता है 14 से 15 साल और 16 से 17 साल, ये महिला पुरुष के दोनों इवेंट आज कराए जा रहे हैं। कौन जीता है, कहाँ कहाँ के खिलाड़ी अभी आगे चल रहे हैं? सर जो हम देखने में है कि ग्वालियर को जैसे कराटे की एक तरह से नर्सरी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, कहें तो इंडिया की, क्योंकि किसी एक ज़िले में सबसे ज़्यादा अवार्ड और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय लेवल पे अचीवमेंट होना, तो ये ग्वालियर की जो डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर जिला कराटे डेवलपमेंट एसोसिएशन उनके पास है। इसका जाता सबूत तो मैं ही आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि सैफ गेम मेरा मेडल है, विक्रम और विश्वामित्र अवार्ड, तीन विश्वामित्र हैं, वो तीनों के तीनों ग्वालियर के हैं। एकला अवार्ड वहीं से स्टार्ट हुआ, सैफ गेम, नेशनल गेम्स और एशियाड विकास शर्मा अभी अंदर ही हैं, जो कि अब आपके इंदौर में पदस्थ भी हैं। विक्रम अवार्ड के बाद उन्हें लोकसभा आयोग में जॉब दे दी गई। ये सर कल से चल रहा है, ये दो दिवसीय, कल क्या मैं बताऊँ, परसों से बच्चों ने आना चालू कर दिया है। हमारे यहाँ पे करीब ऑल ओवर MP से 400 बच्चे आए हैं, 50 ऑफिशियल्स, 25 रेफरीज। सो ये, और हमारा बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल, सो हमारे ही हॉस्टल में करीब 300 बच्चों ने स्टे भी किया है, ऑफिशियल्स भी हमारे यहाँ रुके हुए हैं। और इसकी शुरुआत कल हमने इसकी आयोजन इसका शुभारंभ किया और आज ये शाम को भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो दिवसीय आयोजन सर बहुत बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि रनिंग स्कूल में जब ये पीक टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम है, 12th के बोर्ड प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं CBSE के, उस रनिंग स्कूल में इतना सफल आयोजन करवाना ये कोई आसान बात नहीं है, तो मैं टीम IPS को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम कितने डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर बच्चे शामिल हुए हैं और साथ ही जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें जिस तरीके के प्रोग्राम हुए हैं, किस तरीके का बच्चों को केंद्र प्रोत्साहन दिखा ये सर? देखिए इसमें तो ग्वालियर, नीमच, इंदौर, देवास और मतलब जगह जगह के बच्चे, ऑल ओवर MP से बच्चे आए हैं। और सबसे छोटा जो बच्चा है वो 5 साल का बच्चा है, जिसको कल मेरे को देख के बहुत खुशी हुई कि 5 साल के बच्चे को भी, पेरेंट्स का भी इसमें मैं तारीफ करना चाहूँगी कि वह अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। और इंदौर पब्लिक स्कूल तो सर शुरू से ही खेलों को बढ़ावा देता आया है, और हमारे यहाँ तो मान के चलिए कि अक्टूबर महीने से ही हम लोग एक के बाद एक हमारे इवेंट्स स्पोर्ट्स के हम अरेंज करते जा रहे हैं। और सफल आयोजन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सफल ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो हमारे यहाँ पे बच्चे और ऑफिशियल्स जो बाहर से रुके हुए हैं उनने जो आज मुझे एक रिव्यू दिया कि जो आयोजन था ये बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टे बहुत अच्छा है, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, तो जब बाहर वाले लोग आके अपनी तारीफ करते हैं तो इससे समझ में आता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तमाम तरह के खेल होते हैं, क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो जाए, लेकिन कराटे एक ऐसा है जो आत्मरक्षा के लिए माना जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो और खास करके लड़कियों और महिलाओं के लिए जरूरी है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत, ये बात बहुत सही है, आपने ये प्रश्न पूछा मुझसे, क्योंकि कराटे एक ऐसा खेल है जो अगर बच्चा सीख जाता है, स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो ये विषम परिस्थितियों में बिना हथियार के हमारा बच्चा उस टैलेंट को यूज करके कुछ जगह से अपने को विषम परिस्थितियों से बाहर कर सकता है। तो ये तो वाकई एक ऐसा खेल है जो मुझे आज ये अब देख के समझ में आता है। देखिए बातें तो सब करते हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को फील करते हैं, देखते हैं, तब समझ में आता है कि ये एक ऐसा खेल है जो सबको आना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को तो आना ही चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा, आत्मरक्षा खुद कर सकें। पर स्पोर्ट्स की अभी हमने बात कही खेलकूद की, आजकल के जो बच्चे हैं या आमजन है मोबाइल में ज्यादा या एक तरह से ऐसी अलग अलग गतिविधियों में जुड़ जाते हैं, नशे में जुड़ जाते हैं कि अपने शरीर को भी खराब कर लेते हैं और जीवन भी खराब हो जाता है। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से तो एक गमला नुमा बच्चा निकलता है, फूल नुमा बड़ा हो गया, कैसे देखते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? यही देखते हैं, जैसे आज भी आप जो बता रहे हैं अभी यहाँ 400 बच्चे आए हुए हैं, जो हम बात करते हैं पेरेंट्स मोबाइल की, कहीं ना कहीं देखिए ये दोनों तरफ से है। घर में आज हम माहौल जो देते हैं, पेरेंट भी मोबाइल लेके बैठा है तो बच्चा भी बैठा है। आज मैं यहाँ देख रही थी जो आप बोल रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन से यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, एक भी बच्चे को मैंने किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं देखा है। तो हम बच्चों को जितना इन चीज़ों में बिजी रखेंगे उनकी आदत, अब आज की तारीख में क्या हो गया, पेरेंट्स भी खुद लेके बैठते हैं, एक कमरे में पेरेंट बैठा है, एक बच्चा बैठा है, तो बच्चा देख देख के ही कर रहा है। अदरवाइज मैं तो 2-3 दिन से जो मैं देख रही हूँ हमारे हॉस्टल में जो बच्चे रुके हैं उनमें से भी मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ है।
बच्चे इधर उधर मुझे प्रैक्टिस करते हुए ही दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को एक्सपोजर दीजिए, बच्चों को हमेशा बिजी रखिए कि चीजों में, ताकि वो मोबाइल से दूर हटे।